अभी तक के सेशंस में क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एमएस एक्सेस क्या होता है, उसका यूज किस लिए किया जाता है और उसमें यूज होने वाले डिफरेंट ऑब्जेक्ट जैसे कि टेबल, क्यूरी, फॉर्म। टेबल्स का यूज करके हमने डेटा को स्टोर करना सीखा है, उसको डिस्प्ले करना सीखा है। क्यूरीज का यूज करके कंडीशंस के बेसिस पर डेटा को सर्च करना सीखा है। फॉर्म्स का यूज किया जाता था मल्टीपल डेटास में से या डेटाबेस टेबल्स के रिकॉर्ड में से एक वन बाय वन रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करना। इसके बाद आज के इस सेशन में हम सीखेंगे रिपोर्ट कि रिपोर्ट आखिर क्या होता है। तो उसके लिए छोटी सी डेफिनेशन दिखाना चाहूंगा आपको। अ रिपोर्ट इज अ ऑब्जेक्ट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस दैट इज यूज्ड टू डिस्प्ले एंड प्रिंट योर डेटा इन अ ऑर्गेनाइजेशन मैनर। यानी रिपोर्ट एमएस एक्सेस में यूज होने वाला एक ऐसा ऑब्जेक्ट, एक ऐसा फीचर, एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसकी सहायता से हम टेबल में क्रिएट किए गए किसी भी रिकॉर्ड या डेटास को प्रिंट कर सकते हैं। द नेविगेशन पैन is where you can find all the saved reports in database। यानी जो आपका ये आप सॉफ्टवेयर के इंटरफेस पर लेफ्ट साइड में ये जो विंडो देख रहे हैं इसे पैनल कहा जाता है, पैन कहा जाता है, ऑब्जेक्ट पैन। इसमें आपके सारे के सारे जितने भी आप रिपोर्ट्स क्रिएट करेंगे वो यहीं पर दिखाई देगी आपको। To view your reports, make sure that your objects are visible in the navigation panel. यानी आपकी reports object panel में उसी conditions में दिखाई देगी जब कि आपके सारे के सारे object visible हों। Reports और form लगभग दोनों एक ही जैसा काम करते हैं, यानी डेटा को रिप्रेजेंट करना। लेकिन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस होता है कि जिसे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा सकता हूं। फॉर्म इज अ प्राइमरी यूज फॉर एंट्री डेटा, रिपोर्ट इज यूज फॉर प्रेजेंटिंग द डेटा। यानी फॉर्म डेटा को एंट्रिंग के लिए किया जाता है, यानी डेटा को एंटर करने के लिए फॉर्म का यूज किया जाता है, जबकि रिपोर्ट का यूज किया जाता है डेटा को प्रेजेंटिंग के लिए, यानी कि प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करने के लिए। फॉर्म इज ऑल्सो यूज फॉर डिस्प्लेइंग रिकॉर्ड्स बट वन रिकॉर्ड एट अ टाइम। रिपोर्ट इज यूज फॉर डिस्प्लेइंग होल डेटा रिकॉर्ड। यानी फॉर्म का यूज करके हम रिकॉर्ड दिखा सकते हैं लेकिन एक टाइम पर सिर्फ एक ही रिकॉर्ड को डिस्प्ले किया जाता है। रिपोर्ट इज यूज फॉर डिस्प्लेइंग होल रिकॉर्ड। रिपोर्ट का यूज करके हम डेटाबेस के सारे रिकॉर्ड को एक साथ दिखा सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि रिपोर्ट कैसे क्रिएट की जाती है। रिपोर्ट क्रिएट करने के लिए क्रिएट टैब में जाइए। रिपोर्ट ग्रुप के अंदर आप सामने देख सकते हैं कि फॉर्म और रिपोर्ट मेरे सामने दो टैब आ रहे हैं और दोनों में लगभग सेम ही ऑप्शन है। फॉर्म डिजाइन, रिपोर्ट डिजाइन, ब्लैंक फॉर्म, ब्लैंक रिपोर्ट, फॉर्म विजार्ड, रिपोर्ट विजार्ड, जबकि इसीलिए इनको डिजाइन करना भी लगभग सेम होता है। जैसा कि हमने फॉर्म डिजाइनिंग में फॉर्म डिजाइन पर क्लिक किया था तो हम यहाँ पर रिपोर्ट डिजाइनिंग पर क्लिक करेंगे। जो पेज हमारे सामने फॉर्म डिजाइनिंग के टाइम पर आता था वही रिपोर्ट डिजाइनिंग में भी मिलेगा। इसमें फील्ड डिस्प्ले नहीं हो रही है जो कि मुझे रिपोर्ट पर डिस्प्ले करनी है। यहाँ पर आपके सामने डिजाइन टैब में एक मिलेगा एड एग्जिटिंग फील्ड,
इस ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए, आप देख सकते हैं सामने एक ऑप्शन आ रहा है शो टेबल्स, क्लिक। अब इन टेबल्स में से उस टेबल पर प्लस पर क्लिक कीजिए जिसकी फील्ड्स मुझे रिपोर्ट्स में दिखाना है और माउस की सहायता से उन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए, जैसे कि आप देख सकते हैं कर रहा हूं। यहाँ पर मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है, आप चाहें तो इसमें भी रिपोर्ट डिजाइनिंग में हम अपने हेडर फुटर का यूज कर सकते हैं, हेडर पर इंफॉर्मेशन लाने के लिए डिजाइन टैब में ही लोगो टाइटल या डेट टाइम्स का हम यूज कर सकते हैं, जैसे मैं टाइटल्स का यूज कर लेता हूँ। रिकॉर्ड्स इसको सिलेक्ट करके फॉर्मेट टैब में जाकर इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, हम चाहें तो इसको साइज 24 चाहिए और जो मुझे सेंटर में डिस्प्ले कर, इतना करने के बाद इस कंट्रोल के साथ चेक कीजिए इंटरव्यू रिपोर्ट में, यानी जो रिपोर्ट आप बनाई है उसका नाम लिखिए। आप देख सकते हैं तो मेरे नेविगेशन पैनल में रिपोर्ट वन नाम की रिपोर्ट डिस्प्ले हो रही है, इस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं हमारी रिपोर्ट डिजाइन हो चुकी है, जिसमें एक रिकॉर्ड आ रहा है। आप कर्सर को स्क्रॉल बार की सहायता से मूव कीजिए, सेकंड रिकॉर्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, यानी एक पेज पर हमारे सारे रिकॉर्ड्स जो कि डेटा टेबल में थे वो सभी के सभी एक साथ डिस्प्ले हो रहे हैं। तो ये डिफरेंस होता है हमारे फॉर्म और रिपोर्ट में, क्योंकि हमने लास्ट सेशन में रिपोर्ट पढ़ी फॉर्म पढ़ा हुआ था, तो फॉर्म में क्या होता है एक टाइम पर एक ही रिकॉर्ड आ रहा था, जबकि आज रिपोर्ट जो पड़ी हुई है उसमें एक टाइम पर टेबल्स के सारे रिकॉर्ड एक साथ डिस्प्ले हो रहे हैं। और इसे सेव करने के लिए हम तो डब्ल्यू को यूज कर सकते हैं। रिपोर्ट डिजाइनिंग के लिए हम रिपोर्ट डिजाइनिंग के साथ साथ रिपोर्ट विजार्ड का भी यूज कर सकते हैं। तो रिपोर्ट विजार्ड के द्वारा रिपोर्ट डिजाइनिंग के लिए रिपोर्ट विजार्ड पर क्लिक कीजिए, यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट में उस टेबल या फील्ड्स को या उस टेबल या क्यूरी को सिलेक्ट कर सकता हूँ जिसका डेटा में रिपोर्ट्स को देखना है। यहाँ से मैंने ईम पे ले लेता हूँ, कौन कौन सी फील्ड चाहिए या बेबल से सिलेक्टेड फील्ड यानी जो मुझे देखना है उनका मुझे सभी की सभी देखा। नेक्स्ट, डू यू वॉन्ट टू एड एनी ग्रुप लेबल, यानी आपको रिपोर्ट जो चाहिए वो किसी पर्टिकुलर ग्रुप के बेसिस पर चाहिए, उनका ठीक है एम्प्लॉय नंबर के ग्रुपिंग पे डाल दो। नेक्स्ट, रिपोर्ट विजार्ड का यूज करते समय हमें थर्ड स्टेप यानी कि थर्ड पेज पर एक समरी बटन मिलता है जिसकी सहायता से हम रिपोर्ट में यूज की जाने वाली किसी भी मैथमेटिकल या न्यूमेरिक फील्ड पर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जिससे मैं क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं मेरे पास हमने जो टेबल सिलेक्ट करी थी उसमें दो फील्ड थी, एज और सैलरी जो कि नंबर्स को बिलोंग करती है, मुझे सम एवरेज मिनिमम मैक्सिमम जो आप चाहें वो निकाल सकते हैं। जैसे कि मुझे सैलरी चाहिए, सम चाहिए किसका, सैलरीज का, ओके। असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी फील्ड्स को करना है उनका मुझे नाम असेंडिंग ऑर्डर से दिखा दो। नेक्स्ट 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 जैसे आपका कंप्लीट होता है तो प्रेस फिनिश। तो आप देख सकते हैं हमारी सैलरीज का टोटल होते हुआ आ रहा है। सबसे लास्ट में पेज नंबर टू पर आप मूव कीजिए, यहाँ पर सैलरी जो आ रही है आपकी वो
वो थोड़ा साइज उसका लेंथी, इसलिए यहाँ पर हैश में दिखाई दे रहा है। तो हम उस पर इसको मॉडिफाई कर लेते हैं ईएमपी टेबल्स पर राइट क्लिक करके डिजाइन व्यू, और उसका थोड़ा सा साइज में बढ़ा देते हैं। दूसरा अगेन सेट करते हैं और अब देखते हैं जो हमने मॉडिफाई करा है उससे सैलरी मेरी प्रॉपरली आ गई है क्या। तो आप देख सकते हैं पेज के बॉटम साइड पर सबसे लास्ट में 1,84,000 यानी 1,84,000 हमारी ईएमपी टेबल्स में जो भी सैलरी नाम का कॉलम था उसकी टोटल सैलरीज है आपकी 1,84,000। तो ये दो टाइप्स पढ़े हमने आज, पहला डिजाइन व्यू और दूसरा विजार्ड, जिसके द्वारा हम टेबल्स को टेबल्स में फिल किए गए रिकॉर्ड्स को की रिपोर्ट डिजाइन कर सकते हैं